दोस्तों आज हमारे बीच पंडित विजय नारायण जी हैं जो बलिया शहर के हैं। 4 दिनों तक आप अयोध्या में थे, 19, 20, 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में थे और प्रभु राम मंदिर यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप मौजूद थे। आइए बात करते हैं अयोध्या कैसा था, वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही सुंदर था। प्रसाद भी लेके आए हैं, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। आइए पंडित विजय नारायण जी से बात करते, कैसा रहा अयोध्या? भैया हम लोगों को त्रेता की याद तो नहीं है, लेकिन इस कलयुग में लग रहा था कि त्रेता युग चल रहा है। देश विदेश से कहां कहां से लोग आए थे, अब उसको क्या कहा जाए। लग रहा है कि सबके हृदय में राम लला हिलोरे ले रहे थे और वहां का आनंद, सो सुख जाने मन अरुकाना नहीं रसना पहिजाई बखाना। वहाँ का बच्चा बच्चा हर व्यक्ति के अंदर केवल रामलला के ऊपर न्योछावर करने का भाव था कि हम रामलला के नाम पर क्या लुटा दें, क्या किसी को खिला दें। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जगह जगह कल्प वृक्ष उग गए हैं और आप कौन सी सेवा चाहते हैं उसके लिए लोग एकदम हाथ बिछाए तत्पर थे। वह वाणी का विषय नहीं है, हम तो तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण पर थे। वह स्वागत, वह सत्कार, वह व्यवहार, वह प्रभु की करुणा कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था, जो कर रहे थे रामलला कर रहे थे। तो कहाँ थे आप अयोध्या में, कहाँ रुके? कारसेवकपुरम में हम ठहरे थे। यत्र तत्र बहुत जगह लोग ठहरे हुए थे, लेकिन विशेषकर जो अतिथि बुलाए गए थे उनको कारसेवकपुरम में, और पूरे विश्व से जो भी उपहार जा रहा था वो कारसेवकपुरम में ही जा रहा था। सारे उपहारों को, चाहे ताला हो, चाहे 12 क्विंटल का लड्डू हो, चाहे सैकड़ों हजारों दीपक हो, या जो भी वहाँ पर आ रहा था चरण पादुका हो, सबका दर्शन हम ही लोग के यहाँ हो रहा था। अच्छा, मंदिर परिसर में कितने बजे आप प्रवेश किया आपने? मंदिर परिसर में नियर अबाउट 9:30 के आसपास। 9:30 पे आप आ गए? 9:30 से लेकर के 4 के आसपास तक हम लोग रहे हैं। प्रधानमंत्री को करीब से देखा? 30-40 मीटर, 30-40 मीटर की दूरी पर। मोहन भागवत जी को भी? हाँ, मोहन भागवत जी, हम साहब को तो नज़दीक। हाँ, और हमारे जोगी जी महाराज और सारे सेलिब्रिटी जितने थे, किसको किसको नाम लेंगे आप। तो आप तो बड़े लंबा ये आंदोलन चला श्री राम जन्मभूमि को लेकर, आंदोलन रहा बलिया, एक बलिया ने भी अपना एक योगदान दिया, लेकिन त्रिपाल से महल में आ गए भगवान, तो बलिया क्या रहेगा? वह त्रिपाल से ठाट में आ गए, टेंट से महल में आ गए। अब मुझे लग रहा है ना, मेरे अंदर भाव आ रहा था कि रामलला कह रहे हैं कि भारतवासियों, सनातन धर्मियों, तुम लोगों ने हमारे लिए किया तो हर भारतवासी का मैं ऐसा ही माहौल कर दूंगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। भगवान की कृपा सब पल बनी रहे, भगवान रामचंद्र की कृपा बनी, जैसे विजय नारायण जी ने कहा कि इस तरीके से हमको महल में तुम लोगों ने बैठाया, यानी देशवासियों ने बैठाया, सबका घर महल जैसा हो। दोस्तों बड़ा अच्छा वाणी है विजय नारायण जी का। आप अयोध्या में 4 दिन तक रहे और श्री राम जन्मभूमि को मत्था लगाते हुए, मत्था टेकते हुए आज बलिया में आए हैं अपने हनुमान जी मंदिर के पास। चूँकि संकट मोचन मंदिर है, यहाँ आप पुजारी हैं और पूजा पाठ में पूरी तरह से यहाँ श्रद्धालुओं के साथ रहते हैं। क्या कह रहे थे? कथाकार के हैसियत। हाँ, हाँ, विजय नारायण जी ने कहा कि मेरी जो उपस्थिति थी अयोध्या में एक कथावाचक के रूप में थी। चूँकि अच्छा कथा भी करते हैं और भगवान प्रभु राम को हमेशा याद करते हैं, तो ये भृगु क्षेत्र है, गंगा की पवित्र स्थली है और महर्षि भृगु की तपोभूमि है। इस नाते बलिया से आप विजय नारायण संत स्पेशल आमंत्रित थे अयोध्या में। इन्होंने करीब से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को देखा, भगवान प्रभु को देखा और आज मन कितना खुश है कि वर्षों से उस तपस्या हम लोग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो घड़ी कब आए, लेकिन 22 जनवरी एक ऐतिहासिक क्षण रहा, एक ऐतिहासिक दिन रहा, जिसे दुनिया के लोग कभी नहीं भूल सकते और ख़ासतौर पर बलिया तो कभी नहीं भूलेगा। नमस्कार। जय सियाराम। जय सियाराम।